कुछ दिन पहले ही समय ने भिंड के स्कूलों के शैक्षणिक स्तर पर सवाल खड़े किए थे, जहां छठी क्लास के बच्चों को देश और देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों के कुछ स्कूलों का जायजा लिया गया। कहीं तो स्कूलों पर ताले ही लटकते मिले, कहीं भवन न होने के चलते बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते मिले। ऐसे में बच्चे अपना नाम लिखना सीख जाए तो भी बहुत है। कैसे मिलेगी शिक्षा, कैसे बढ़ेगा ज्ञान, जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही 1:30 बजे तक नहीं खुलते स्कूल। सीहोर जिले के गांव सारंगाखेड़ी की शासकीय प्राथमिक शाला बरामदे में बस्ता लिए बैठे बच्चे और पीछे शाला के दरवाजे पर ताला। घड़ी में 1:05 बजे। ये एक दिन की बात नहीं, महीने में कई बार ये ताला बच्चों को मुंह चिढ़ाता है। सर मैडम नहीं आए, सुबह से खड़ा बनते यार में। हाँ सर, 10:30 बजे। तो रोज ऐसा करना पड़ता है? हाँ, अभी तक सर जी ने ताला नहीं खोला है, इसके लिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। सर जी हमको सुबह से बिठाते हैं और कल बोलकर भी नहीं जाते कि छुट्टी है कल। बच्चे स्कूल आकर बैरंग लौट जाते हैं। समय की टीम पहुंची तो अभिभावक भी मुखर हो गए। सर ये समय चैनल पे हम ये कहना चाहते हैं कि इस शिक्षकों को और मैडमों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और आने वाले पीढ़ियों के लिए और दुखदायी हो जाएंगे। अगर ये सही समय पे नहीं आएंगे तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कहने को सीहोर जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपना गृह जिला है, लेकिन इस गृह जिले के अंदर शिक्षा विभाग की दुर्दशा देखने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जब सीहोर जिला मुख्यालय से केवल 2 किलोमीटर दूर इस महत्वपूर्ण स्कूल में, जहां की गरीब और बेबस मजदूर इस गांव में निवास करते हैं, वहां स्कूल के ताले नहीं खुले। शायद खबर प्राचार्य तक पहुंच गई और तकरीबन 1:30 बजे वो स्कूल पहुंच गई। ताला खोला, बच्चे अंदर आए, अब पढ़ाई का वक्त कहा, सीधा मध्याह्न भोजन बांट दिया गया। समय ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग को खबर दी। जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मैडम ने बताया कि उनके यहाँ किसी की मौत हो गई थी, वो छुट्टी पर थी, लेकिन जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए। समय टीवी चैनल के माध्यम से मुझे आज सूचना प्राप्त हुई है कि सीहोर विकास खंड का जो ये प्राथमिक शाला है सारंगाखेड़ी, सुबह 10:30 बजे से नहीं खुला है। इस संबंध में जो जनशिक्षक है यहाँ के, यहाँ अरुण जोशी भी पहुंच गए हैं और ये यहाँ अभिभावकों का कथन लेंगे और यहाँ मैडम के भी स्टेटमेंट लेंगे, संघीय प्राचार्य के स्टेटमेंट लेंगे और हम विभागीय अनुशासन कार्रवाई करेंगे। बात खुली तो अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो इनकी सतर्कता पर भी उठता है। वैसे अकेला मामला नहीं, बड़े स्कूलों का भी यही हाल है। रीवा के सिमरिया में संचालित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12 बजे तक छात्राएं बाहर बैठी नजर आईं। स्कूल का ताला ही नहीं खुला था। 10:30 बजे वो क्या है, इस समय 12th का पेपर चल रहा है प्री बोर्ड, उन लोग का मतलब 8 से 11 तक है और 12 बजे अब शायद वो लोग क्या पता खाना खाने गए या कैसे भी। स्कूल में ताला बंद है, खाना खाने गए। वो वाली स्कूल तो खुली है। पता चला 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है जो 11 बजे तक चलती है, उसके बाद 11वीं की कक्षाएं लगती हैं, लेकिन यहां तो 12 बज चुके हैं। शिक्षकों के मुताबिक शायद चपरासी की गलती है। अभी ये ताला है, 11:30 बजे बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, चारों तरफ खुला हुआ है, तो ये व्यवस्था नहीं, चपरासी नहीं है, चपरासी अंदर बैठे। चपरासी यहाँ के लिए एक है, अब वो आज की स्थिति क्या है कि छुट्टी में है कि आया था सुबह चला गया परीक्षा के बाद। लड़कियाँ रजिस्टर ले जा रही है ऑफिस से, पूरा वो कर रही है, हद तक पूरी व्यवस्था लड़कियाँ कर रही थी, ये माना जाए कि चपरासी रहेंगे तब न काम होगा। ताला खुला तो छात्राएं ही कक्षा की तैयारी में लग गई, शिक्षकों का रजिस्टर भी खाली मिला, उपस्थिति दर्ज ही नहीं। सवाल किया तो जवाब सुनिए। नहीं, जब तक प्राचार्य हमारे न रहेंगे जब तक आपको हम कैसे पूरे उनका आचार्य सिग्नेचर करते सबका। नहीं, प्राचार्य सिग्नेचर नहीं करते, लेकिन अधिकारी प्राचार्य है, विद्यालय का कोई भी अधिकार विद्यालय समय में खाली क्यों है, कब जाते गया। नहीं खाली ऐसा कैसे आप जानते हैं खाली की क्या है, देना है तो आप पता कर लीजिए। कहीं ताला तो कहीं शाला ही नदारद। अनूपपुर के मझौली शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पास कुल 1 कमरा है,
बच्चे 100 से ज्यादा, नतीजा पेड़ के नीचे लगती है कक्षा। बाउंड्री वॉल भी, जिसका फायदा जानवर भी उठाते हैं और बिना एडमिशन कक्षा में शामिल हो जाते हैं। बाहर ब्लैक बोर्ड नहीं, इसीलिए ऐसे विषयों के लिए एकमात्र कक्ष का सहारा लिया जाता है। अपनी तरफ से सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन दिक्कत बहुत आती है। हर पीरियड मतलब हर क्लास की ब्लैक के पीरियड वहाँ पढ़ाते हैं, करके उठाते बैठाते हैं, एक क्लास बाहर, फिर एक क्लास अंदर, एक क्लास बाहर, एक क्लास अंदर। बिना ब्लैक बोर्ड क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? साइंस कैसे पढ़ाते हैं, उसे चित्र कैसे समझाते होंगे यहाँ पर? कॉपी पे बनाकर। मैडम एक चीज बताइए, अभी हम आ रहे थे, कुत्ता भी इनके साथ पढ़ा था, क्या जानवरों को आप लोग रोक नहीं लगाते? सर लगाते हैं, आते हैं तो कैसा करा, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, न कुछ भी है, बगल में रोड है, दिन भर आते रहते हैं। न बाउंड्री वॉल और न ही पानी की व्यवस्था। 10 साल पहले खुला स्कूल आज भी सुविधाओं की राह ताक रहा है। न बाउंड्री वॉल है, न हैंड पंप है, न किचन सेट है, न टॉयलेट की व्यवस्था है। इसके लिए अपन जो है, कमरे कितने हैं यहाँ? एक कमरे में। अभाव के कारण तो लगाना पड़ता है। हमें आदिम जाति कल्याण मंत्री जी मिल गए, उन्होंने हमें सीख दे दी कि पिछली बातें छोड़ो, आगे देखो हम क्या करते हैं। स्थानीय विधायक जी ने पचड़े में पड़ने से पहले ही कह दिया कि नहीं बना तो हम बनवा देंगे। पीछे नहीं जाना चाहो, सामने देखो, बिल्डिंग बनेगी, घर बना दिया जाएगी, बन जाएगी, बस जुलाई के पहले बिल्डिंग मिलेगी आपको। कहता कि यदि वहीं पर घोषणा भी की थी, यदि शासन की तरफ से नहीं होगा तो मैं अपने स्वयं के जो विधायक निधि होती है, क्षेत्रीय विकास निधि, उसमें से यहाँ पर दूंगा। अब ऐसे में अगर स्कूल के छात्र छात्राएं ई सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात है। दो और दो चार करने लगे तो मानिए ज्ञान मिल गया, लेकिन हैरत होती है उस सरकार पर जो ऐसी व्यवस्थाओं के दम पर शिक्षा को लेकर दावे करती है। समय के लिए सीहोर से प्रदीप एस चौहान, रीवा से राजकुमार पटेल और अनूपपुर से अरविंद पांडे।